हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग एल्गोरिथम। मेरा नाम राघव है। आज के इस वीडियो का टॉपिक है कि यार गेट की जो प्रिपरेशन है वो हमारे बीटेक के बाद वर्थ इट है या नहीं है, या फिर जो गेट की प्रिपरेशन है या हम बीटेक के बाद कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जो भी आपके मन में डाउट हैं, सारी चीज़ें मैं आपको बहुत क्लियरली डिस्कस करने वाला हूँ इस वीडियो में। तो प्लीज़ आप वीडियो को लास्ट तक देखें, आपको सारी बातें क्लियर होने वाली हैं। क्योंकि बच्चों के मन में बहुत सारे डाउट होते हैं यार कि हम गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, अगर हमारा गेट में नहीं हुआ तो क्या होगा, उसके लिए क्या क्या ऑप्शंस हैं, हम क्या कर सकते हैं। तो उस वो सारी बातें मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो प्लीज़ आप वीडियो को बहुत ध्यान से देखें। तो क्या होता है यार, गेट एक एग्ज़ाम है बेसिकली, और जो कि आपको मास्टर्स के लिए वो करता है कि हाँ आप एग्ज़ाम दोगे, आप मास्टर्स परसीव करते हो, उसके बाद आईटीज एंड आईटीज ट्रिपल आईटीज में आप एमटेक परसीव करते हो। तो ये होता क्या है, गेट की प्रिपरेशन आपकी थर्ड ईयर से स्टार्ट हो जाती है। गेट की प्रिपरेशन आप कभी भी स्टार्ट कर सकते हो, सेकंड ईयर से, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर से, लेकिन जो आप एग्ज़ाम है वो आप थर्ड ईयर में से अपीयर हो सकते हो, उसके बाद फोर्थ ईयर से तो आप आराम से दे सकते हो फिर। तो क्या होता है कि अगर आपको गेट की प्रिपरेशन करनी है तो सीधी सी बात है, आप सेकेंड फर्स्ट ईयर से, तो क्या सेकेंड ईयर से मोस्टली बच्चे स्टार्ट करते हैं, तो आप सेकेंड ईयर से स्टार्ट कर दो और थर्ड ईयर फोर्थ ईयर तक आते आते आप अगर आप अच्छे हो पढ़ाई में तो हमें लगता है कि आप इजीली क्रैक कर दोगे गेट को। बट अगर आपका गेट क्रैक नहीं होता है, अगर आप फोर्थ ईयर भी हो गया आपका गेट क्रैक नहीं हुआ है और आप और भी किसी चीज़ में भी अपना टाइम नहीं दे रहे, सपोज़ आप कोडिंग से भी, क्योंकि आप जब गेट की प्रिपरेशन करोगे तो मैं ये मानता हूँ कि आप कोडिंग से बिल्कुल दूर हो जाते हो, क्योंकि गेट में मैक्सिमम थ्योरी है, मैक्सिमम थ्योरी, जो क्वेश्चन सॉल्व करोगे वो भी, जो पढ़ोगे वो भी थ्योरी है, क्वेश्चन सॉल्व करोगे, उसमें कोडिंग नाम मात्र की होती है कि हाँ भाई अगर कोई कोडिंग कहाँ पे, आप एल्गोरिदम पढ़ रहे हो उसमें भी क्वेश्चंस होंगे, नए नए क्वेश्चंस आते हैं गेट में, ट्रिकी क्वेश्चंस होते हैं और उसमें कोडिंग बहुत रेयर में होती है। तो कोडिंग से तो आप बिल्कुल ही दूर हो जाते हो, ठीक है। अब कुछ लोग ये भी पूछते हैं कि यार अगर हमारा गेट में नहीं हुआ तो हम क्या करेंगे। देखो यार, मेरा ये मानना है कि अगर आपका गेट में नहीं हुआ तो उससे पहले आपको एक प्लान ज़रूर करके चलना पड़ेगा भाई, कि अगर हमारा गेट में फोर्थ ईयर तक नहीं हुआ तो सपोज़ कोई एक प्लान आप बना के चलो कि नहीं भाई हम एक छोटी कंपनी ले लेंगे, सपोज़ 30-35 हज़ार की सैलरी हमें देगी, तो आपको ये लेके जरूर चलनी है। आपको हीरो नहीं बनना है थर्ड ईयर फोर्थ ईयर में कि नहीं यार हम तो बस क्रैक करके ही मानेंगे, ये बेवकूफ़ी होती है। आपको एक प्लान, हाँ कॉन्फिडेंस है ये, ठीक है अच्छी बात है, लेके चलो कि आगे चल के आप क्रैक कर दो। अगर नहीं हुआ तो भाई ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है कि अगर 95% आपको लग रहा है कि क्रैक हो जाएगा, हाँ 5% तो है भाई, 100% सेफ्टी नहीं है। गेट जो है वो एनपी कंप्लीट प्रॉब्लम है, कोई एल्गोरिदम नहीं है कि आप कह सकते हो भाई कि नहीं कि हमें जाके हम क्रैक ही कर देंगे, ऐसा कोई एल्गोरिदम नहीं है। तो आपको एक पॉसिबिलिटी ये भी लेके चलनी कि अगर आपका नहीं हुआ यार तो एक प्लान तो है कि तो आपको एक जॉब ले लेनी है, आपको एक बैकअप में जरूर आपकी एक जॉब होनी चाहिए फोर्थ ईयर थर्ड ईयर में, ठीक है। पहली बात ये, सपोज आपने 30,000 की कोई या 40,000 की बैकअप में जॉब ले ली कि अगर नहीं हुआ तो हम एक साल या दो एक साल इसमें सर्वाइव कर सकते हैं, ठीक है पहली बात। और दूसरी बात ये होती है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं कि यार हमारा फोर्थ ईयर में भी नहीं हुआ और कोई जॉब भी नहीं लगी तो क्या फोर्थ ईयर के बाद हम ड्रॉप लेके बीटेक कर गेट की प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यार मैं ये चीज़ आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। इन सब चीज़ों से आप फालतू स्ट्रेस लोगे, डिप्रेशन में भी आप जा सकते हो, क्योंकि यार गेट आपका प्लेसमेंट नहीं लगती ना जब आपके फोर्थ ईयर में, और उसके बाद फिर आप गेट के लिए ड्रॉप लेते हो ना, तो आपके ऊपर जो प्रेशर है ना वो और बढ़ जाता है। क्योंकि फोर्थ ईयर थर्ड ईयर में जब होते हो, जब गेट की प्रिपरेशन करते हो, तो यार ये आप सोचते हो यार कि नहीं हुआ तो क्या, ठीक है कोई जॉब कर लेंगे। लेकिन फोर्थ ईयर के बाद जब आप निकल जाते हो ना, और फिर आपके पास एक ही ऑप्शन बचता है कि हमें सिर्फ गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, यही है जो है। अगर इसमें हो गया तो बहुत अच्छा, नहीं हुआ तो क्या होता है यार, ये ड्रॉप ईयर जो है ना ये बढ़ते जाते हैं। तो मैं बीटेक के बाद या फोर बीटेक के बाद आपको गेट की प्रिपरेशन ड्रॉप लेके आपको, मतलब मैं आपको रिकमेंड नहीं करता हूँ। हाँ अगर आपके पास सपोज़ कोई जॉब है, आप कोई जॉब कर रहे हो 30,000 की TCS में, क्योंकि बहुत सारे बच्चे यार ऐसे भी जो प्रिपरेशन करते हैं जो TCS, एक्सेंचर, कॉग्निजेंट या फिर किसी भी अच्छी कंपनी में तो नहीं क्या, मतलब नॉर्मल कंपनी में जॉब कर रहे होते हैं और उस जॉब से वो सेटिस्फाई नहीं होते, तो उन्हें लगता है कि हाँ यार हमें मास्टर्स कर लेनी चाहिए। तो ऐसे बच्चे प्रिपेयर करते हैं मास्टर्स के लिए, और एटलीस्ट उनके पास एक जॉब तो है, एक बैकअप तो है कि भाई अगर उनका गेट में नहीं हुआ तो उनकी जॉब तो चल रही है। हाँ अगर उनका गेट में हो गया तो वो जॉब इजीली क्विट कर देंगे। तो आपको भी अगर प्रिपरेशन करनी है फोर्थ ईयर के बाद तो आप एक जॉब जरूर रखो अपने पास। आप खाली बैठ के मत करो कि नहीं भाई हम गेट निकाल देंगे, भाई इससे आपके ड्रॉप ईयर बढ़ते ही जाएंगे और आपके ऊपर प्रेशर बढ़ता ही जाएगा। मैं आपको बड़ी जेन्युइन चीज़ बता रहा हूँ ये, जैसे बहुत सारे टीचर्स क्या है आपको ये बड़ी, मतलब वो मोटिवेट ऐसा कर देंगे आपको कि नहीं भाई जॉब छोड़ दो, गेट सब कुछ है, गेट ये है वो है। भाई गेट है सब कुछ है मैं मानता हूँ, लेकिन अगर आपकी जॉब नहीं लगी, आपका गेट में नहीं हुआ, अगर आपका गेट में नहीं हुआ तब आप क्या करेंगे,
भाई ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है। तो इससे अगर आपके पास बैकअप में एक जॉब है 30-40 हज़ार की, तो आपको फिर कोई टेंशन नहीं होगी, आप इजीली बिल्कुल खुले माइंड से जाएंगे, अच्छे से एग्जाम देके आएंगे, आपके ऊपर कोई प्रेशर नहीं होगी। भाई अगर नहीं भी हुआ तो कोई दिक्कत नहीं, जॉब तो है हमारे पास। लेकिन अगर आपके पास जॉब नहीं है तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप 4th ईयर के बाद गेट की प्रिपरेशन करें, वो भी ड्रॉप लेके, नॉर्मल ड्रॉप लेके, कि हम सिर्फ गेट की प्रिपरेशन ही करेंगे। पर अब दूसरी बात ये हो गई। तीसरी बात ये है कि अगर 4th ईयर में आपका सपोज नहीं हुआ गेट में, तो उसके बाद अगर आपको फिर भी मास्टर्स करनी है, तो यार मैं आपको गेट के अलावा इंडिया से नहीं, मैं आपको MS रिकमेंड करता हूँ कि आप बाहर जाके आप MS करो, वो ज़्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। क्योंकि गेट में यार कंपटीशन बहुत है, IIT में जाने वालों की संख्या बहुत कम है, और उसके लिए काफ़ी सारे बच्चे फाइट करते हैं। हाँ MS के लिए, अगर MS के लिए, हाँ ये भी है कि आपको पैसा बहुत लगता है MS के लिए, आप बाहर का तो आप जानते हो 30-40-50-50 लाख से नीचे तो कोई MS होता ही नहीं, हाँ अच्छी यूनिवर्सिटी में। और US वगैरह के लिए तो आपको और टाइम लगता है, उसका वीज़ा बहुत लेट में मिलता है, उसमें बहुत सारी चीज़ ज़रूरत होती है, कहीं के तो GRE ज़रूरत होती है। हाँ कुछ जैसे जैसे जर्मनी में आपका गेट का स्कोर होता है, सिंगापुर में NTU करके उसमें आपका गेट का स्कोर लगता है, तो ये कुछ सिलेक्टेड यूनिवर्सिटीज़ हैं। बट अगर आपको MS बाहर से करना है तो USA वगैरह से तो आपको GRE लगेगा, IELTS लगेगा, ये सारे स्कोर लगेंगे, उसके साथ आपको 2-3 रिसर्च पेपर लगेंगे, 2-3 रिकमेंडेशन लगेंगे आपके कॉलेज के, बट ये इजीली हो जाता है। लेकिन यार गेट की प्रिपरेशन में अगर आप फंसे रहोगे ना, तो आपको वही वाली बात है, डिप्रेशन, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें तो हो ही जाएंगी, साथ में अगर नहीं हुआ तो वो भी दिक्कत है। अगर आपके पास पैसा है, आप अफोर्ड कर सकते हो 30-40-50 लाख रुपए का MS, तो मैं कहता हूँ कि आप BTech के बाद आराम से MS करो और अच्छी जॉब आपको वहाँ पे मिल जाएगी। मैं ये एक बहुत ईजी तरीके से कह सकूँ कि बहुत सारे बच्चे हैं यार जिनका गेट में नहीं हुआ, वो आराम से जाके MS कर रहे हैं। गेट करने की ज़रूरत नहीं है अगर आपके पास जॉब नहीं है इंडिया में, और उसके बिना जॉब के अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये आपके लिए बहुत रिस्की है। हाँ कॉन्फिडेंस एक अलग चीज़ होती है कि भाई आपको, हाँ कॉन्फिडेंस है कि हम क्रैक कर लेंगे, यार ऐसा भी तो होता है कि नहीं हुआ तब क्या करोगे आप। तो इसलिए मैं ये करता हूँ कि अगर आप कॉलेज में हो तो आप सेकेंड ईयर से प्रिपरेशन स्टार्ट करो, अगर आप अच्छे से करोगे तो मैं गारंटी लेता हूँ कि 3rd ईयर 4th ईयर तक अगर अच्छे हो पढ़ने में तो हो जाता है यार, अगर आप ध्यान से कर रहे हो। अगर आपका नहीं हुआ तो आप सिंपल सिर्फ ड्रॉप लेके आप 4th ईयर के बाद प्रिपरेशन मत करो, वो चीज़ अच्छी नहीं है और वो आपको फालतू खतरे में डालेगी। अगर हाँ आपके पास जॉब है तो आप इजीली उस, तो आप चाहो तो कर सकते हो गेट की प्रिपरेशन जॉब के साथ में। तो ये हो गई आपका जो भी डाउट था, हमें लगता है कि अगर आप ये वीडियो देखेंगे तो आप बहुत ईजिली समझ जाएंगे कि मैं इस वीडियो में क्या आपको कहना चाह रहा हूँ और क्या आपको सजेस्ट करना चाह रहा हूँ। तो दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें। दोस्तों अगर कोई भी क्वेरी है आपकी, अगर आपको लगता है मैंने कोई भी बात अगर गलत हुई, तो प्लीज़ आप उसे कमेंट सेक्शन में सजेस्ट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।